यह है मेरी छोटी सी दुकान जो कि सामने से कुछ ऐसे दिखती है। मैंने अपनी दुकान में हर वो एक चीज रखी है जो कि हमारे गांव में नहीं मिलती। जैसे कि मैंने अपनी दुकान में एक जेरोक्स मशीन रखी है। वैसे हमारे गांव में जेरोक्स मशीन पहले भी थे लेकिन वो सिर्फ नॉर्मल प्रिंट निकालते थे। मैंने एक ऐसा जेरोक्स मशीन लाया जिससे कि आप कलर और नॉर्मल प्रिंट दोनों ही निकाल सकते हो। और साथ ही साथ ये जेरोक्स मशीन वाईफाई कनेक्टेड था जिससे कि मैं मोबाइल के अंदर के प्रिंट भी आसानी से निकाल सकता था। और मेन पॉइंट तो ये है कि मैंने अपनी जेरोक्स मशीन चलाने के लिए एक इन्वर्टर भी खरीद के रखा है, यानी कि गांव में बिजली नहीं हुई मेरा जेरोक्स मशीन चालू रहता। और ये मेरे पास एक एडवांटेज है। मशीन के साथ साथ मैंने अपनी दुकान में और एक नई चीज रखी जो कि है आइसक्रीम। से पहले हमारे गांव में कोई भी दुकानदार आइसक्रीम नहीं रखता था। हमारे गांव में कई लोगों ने आइसक्रीम का नाम भी नहीं सुना था और जिसे जैसे पता था उसे आइसक्रीम खाने के लिए शहर जाना पड़ता था जो कि यहाँ से 13 से 14 किलोमीटर है। बस बहुत ही बड़ा मौका था अपने गाँव में आइसक्रीम बेचकर कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने का। लेकिन आइसक्रीम रखने के लिए आपको एक डीप फ्रीजर की जरूरत पड़ती है, तो मैंने डीप फ्रीजर कैसे खरीदा है जानेंगे किसी और ब्लॉग में।